तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 12 के साथ। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। जिसने भी हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है फटाफट से आइए फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो चैनल के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग शुरू होती है, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यूतांग की उस मॉन्स्टर ने पूरी तरीके से मार लगाई होती है और यूतांग लगभग मरने वाली होती है। तभी लिनमो उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है, जिसको देखकर यूतांग का सरप्राइज होती है और कहती है, हे फैट गाय, अगर कर तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हो बेवकूफ, जल्दी यहाँ से भागो, ये मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। तभी जो लिनमो होता है वो यूतांग से कह लगता है, मुझसे रेस्पेक्टफुली बात करो, तुम समझ में आया तुम्हें। और मॉन्स्टर लिनमो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन लिनमो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो स्माइल मार रहा है समय पर। और ये सब देखने के बाद यूतांग चिल्लाती और कह लगती है, हे जरा आगे देखो मुड़कर, वो मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है लिनमो को, जो कि अपने एम्परर सोल का पावर का इस्तेमाल करता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, और कहने लगता है ये तो बस एक मैजिक स्वॉर्ड है और कुछ भी नहीं। और उसके माथे पर एक निशान बन जाता है जैसा कि पहले आपने देखा ही था, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी आंखों की एनर्जी भर जाती है, जिसको देखने के बाद वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कपकपाने लगता है। और अब वहीं अटैक करते 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 वहीं पर रुक जाता है और अपने आप को फुल फोर्स में रोकता है, और उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं उस मॉन्स्टर के। जिसको देखने के बाद जो यूतांग होती है वो कुछ सरप्राइज होती है और कह लगती है, आखिरकार ये मॉन्स्टर तुम्हें देखकर रुक क्यों गया। तभी जो लिनमो होता है वो उससे कहने लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि कांपने में लगा हो लिनमो को देखने के बाद, और लिनमो से कह लगता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। तभी वो अपनी सोल एनर्जी को रिलीज करता है, और लिनमो के जो बाल होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वाइट हो जाते हैं। वो अपने एम्परर सेल्फ में आ चुका है इस वक्त, और मॉन्स्टर ये देखकर उसकी फट जाती है ना 1364 के तौर पर फट जाती है। और वो भाई इतनी फटती है ना कि सिलने लग रहा बस्ती, और वो मॉन्स्टर वहाँ से दुम दगा के भागना चालू कर देता है। लेकिन गाइस, जो लिनमो होता है जो एम्परर होता है इस वक्त एम्परर के तौर पर है, एम्परर होता है वो अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करता है, और किलिंग इंटेंट को जैसे ही रिलीज करता है ना तो मॉन्स्टर जमीन पर जाकर सीधे पड़ता है और वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है सिर्फ उसकी एनर्जी से। देखने भरते उस मॉन्स्टर की लगदी लंका, और हमें दिखाया जाता है उसके असली सेल्फ को, और वो उसकी परछाई सी बन जाती है, उसकी सोल दिखाई जाती है पीछे उसके। और भाई साहब, ये है हमारा एम्परर का बवाल लग रहा है हमारा एम्परर तो इस वक्त। और तभी दूसरी तरफ हमें यूतांग को दिखाया जाता है जो कह रही होती है, ये साइकिक प्रेशर, मैं यहाँ पर बैठकर मतलब सांस नहीं ले पा रही हूँ इस प्रेशर के कारण, ये आखिर है कौन इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा। और भाई उसके तो ऊपर गर्दन नहीं उठा सकती, इतना पावरफुल प्रेशर है। और वो देखती है और बोलती है, फैट गाय, आखिरकार तुम हो कौन। तभी हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ना चालू कर देता है। तभी हमें ग्वियन टेम्पल को दिखाया जाता है जो कि लुओबेई सिटी में मौजूद है, वहाँ पर वो लोग अपने चैंट्स पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर अपने मंत्र वगैरह पढ़ रहे होते हैं। और तभी जो मॉन्क होती है, जो भी टास्ट वगैरह होते हैं, वो मंत्र पढ़ते हैं, तभी उसे कुछ महसूस होता है, और अचानक से उसको एकदम सरप्राइज होता था महसूस करने के बाद, क्योंकि वहाँ की जो घंटियाँ होती हैं वो जोरों जोरों से बजने लगती हैं। तभी वहाँ के स्टूडेंट होते हैं वो पूछ लगते हैं, मास्टर आखिरकार जो घंटियाँ इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों बज रही हैं। तभी उसका दूसरा स्टूडेंट कहता है कि जो घंटियाँ हैं वो तब नहीं बजनी चाहिए थी जब इस दुनिया में कुछ अजीब सा बड़ा होने वाला होता है। और हमें बैल को दिखाया जाता है जो कि जोरों जोरों से बजना चालू हो जाती है, और जिसके जो मास्टर होते हैं वो घुटनों के पर भी बैठ जाते हैं। ये देखने के बाद स्टूडेंट कभी घबराने लगते हैं और कह लगते हैं, मास्टर क्या हुआ आपको। तभी हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, कह रही होती है, एकदम पसीना पसीना हो जाती है, और कहती है कि जो टाउस में के फादर हैं उनका रीइंकार्नेट हुआ है, वो जहाँ पर जन्म लिया उन्होंने द्वारा से दुनिया में। तो गाइस समझ रहे हो इतना दबदबा है एम्परर का कि भाई साहब इनकी फटके नहीं 64 हो गई, और कभी पसीने पसीने हो गए कि गॉड वापस से पैदा हो गए हैं, ऐसा कह सकते हो। तभी हमें लिनमो की तरफ वापस से सीन शिफ्ट होता है, जो कि लिनमो उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है और कह रखता है, मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार जो डीमन क्वीन है वो कहाँ पर है। तभी हमें उस स्पिरिट एनर्जी को, उस बुढ़िया मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उसकी हालत कभी ख़राब हो रखी होती है बस उसके प्रेशर से ही, जिसे देखकर लिनमो कह लगता है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसकी सारी जो स्पिरिट है वो ऑलरेडी खो चुका है, मतलब खो चुकी है। और इसे देखकर तो ऐसा लगता है इसमें जस्ट सिर्फ और सिर्फ मैजिक स्वॉर्ड की फ्रेगमेंट बचा हुआ है। खैर अब मुझे इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तभी वो अपने मैजिक से उस जो फ्रेगमेंट बचा हुआ था उसे अपने हाथों में ले लेता है और उसे सील कर देता है। सारी उस बुढ़िया की एनर्जी होती हुई भी वो सारी फ्रेगमेंट के जरिए, उस स्वॉर्ड फ्रेगमेंट के जरिए बाहर आ जाती है। तभी जो हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि मन में सोचते कह लगता है, ये जरूर उस डीमन क्वीन का ट्रैप भी हो सकता है जो कि उसने बिछाया है मुझे पकड़ने के लिए। खैर मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो टेरेजर मेरे हाथ में लगा हुआ है डीमन एनर्जी के साथ, अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। और उससे निपटने के बाद यूतांग की तरफ मुड़कर देखता है और मन में सोचते कह लगता है, खैर वो सब भूल जाओ, अब मेरे को इस वूमन से निपटना है। तभी हमें यूतांग को दिखाया जाता है, वो जैसे ही देखती है एम्परर को, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे सफ़ेद बाल, वो कहने लगती है इसको देखने, वाओ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये लौंडा, मुझे अभी के अभी चाहिए इसको। ये मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन भाई ये टोटली लट्टू हो चुकी है, टोटली लट्टू। लेकिन जो एम्परर होता है वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और सब कुछ यूतांग की मेमोरी से मिटा देता है और कहता है, जो भी तुमने अभी देखा है वो सब कुछ भूल जाओ। और उसकी आंखों में रोशनी मतलब मंत्र पड़ने लगते हैं, और जैसे ही वो मैजिक का इस्तेमाल करता है यूतांग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है।
और लिनमो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, उसके सारे सारे व्हाइट हेयर गायब हो जाते हैं। और युतांग को इस तरीके से देखने के बाद कहने लगता है हमारा एम्परर जो कि इस समय लिनमो है, वो कहता है उसको देखने के बाद ये 17 साल की लड़की है और इसकी जो स्पिरिचुअल रूट है वो हाई क्वालिटी का है और 17 साल की उम्र में इसने अपने आप को क्यू रिफाइनमेंट स्टेज पर पहुंचा लिया है, भले ही इमॉर्टल कल्टीवेशन के वर्ल्ड में भी इसको देखा जाए तो ये जीनियस में आता है, कल्टीवेशन जीनियस में। ये लड़की वाकई में कल्टीवेशन में एक जीनियस है, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसके पास स्पेशल जगह है कल्टीवेट करने के लिए। अगर ऐसा पॉसिबल अगर ऐसा नहीं होता तो इस ऐसी दुनिया में यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, उसके बावजूद भी ये इतनी जल्दी इतनी फास्ट ग्रो करे ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इसके पास जब तक हाई लेवल का टैलेंट ना हो तब तक तो और भी पॉसिबल नहीं है। तभी अचानक से इतनी ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने के कारण उसकी जो दिल है उसके जो ऑर्गन्स हैं उसका कुछ साइड इफेक्ट पड़ते हैं और उसका साइड इफेक्ट के कारण उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखने लगता है। और इनको मन में सोचते हैं बताता है हमको, मुझे लगता है मैंने अपनी सोल एनर्जी का कुछ ज़्यादा ही पावर इस्तेमाल कर लिया और ओवरलोड कर लिया है और मैंने अपने ऑर्गन को डैमेज कर लिया है, मुझे जल्द से जल्द अपने घर पर वापस जाना होगा। और तभी वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाती हुई वहाँ पर दो लड़की आ जाती हैं जो कि लिनमो को छेड़ना चालू कर देती हैं और कहने लगती है हे आखिरकार इतना ज़्यादा हैंडसम बॉय कहाँ जा रहा है, जल्दी से चलो मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पर लेकर जाऊँगी। और उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है। यहाँ पर कुछ गुंडे लोग आ गए क्योंकि ये दुनिया उल्टी है तो लड़कियाँ आए यहाँ की गुंडे, भाई कौन कौन इन गुंडों के साथ जाना चाहता है। तभी लिनमो उससे कह लगता है तुम मुझे जहाँ से जाने दो नहीं तो बाद में तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। लेकिन दूसरी लड़की आकर उसकी गर्दन से उसे दबा लेती है और उसे कह लेती क्या अच्छा इस लड़के को देखो सही कितना ज़्यादा टफ खेलना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है और इतने ज़्यादा मीन कैसे हो सकते हो हमारे खिलाफ। ये देखने के बाद जो लिनमो होता है वो कभी शौक होता है और बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा होता है। और मन में सोचते कहता अब मैं अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और जो लड़कियाँ होती वो लिनमो को छेड़ते हुए एकदम उसकी मजे लेती हुई उसे कह लगती है ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम हमारी बात का पालन करो। और मन में सोचते कह लगता है मैं एक समय पर एम्परर था लेकिन जरा देखो सही मुझे इतनी बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया जा रहा है लड़कियों के जरा। और वो लड़कियाँ उससे कह लगती है जरा हे हैंडसम बॉय हमारे साथ चलो थोड़ा हमारे साथ खेलो मस्ती मजाक करो और सब वो भी कर लो, समझ गया ना क्या करना चाहती हैं लड़कियाँ इसके साथ। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है युतांग को जो कि होश में आ चुकी है और उन दोनों के पास आती है और उससे कहने लगती है हे तुम दोनों जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ और एक पंच मारती है सीधा। और भाई जैसे ही मारती है वो लड़की दोस्त तो कर लेती है और ये देखने के बाद कहती है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। दोनों को दोनों वहीं पर फाइट करना चालू कर देते हैं और दोनों फाइट करते हैं लेकिन युतांग को फाइट करने में ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो एक मुक्का मारती है उसे गुब्बारों में जिसके कारण उस लड़की तो लग जाती है लेकिन उसकी जो साथी होती है वो भी भड़क पड़ती है और कह लगती तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को इस तरीके से मारने की मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। लेकिन युतांग कहाँ हार मानने वाली एक एक मारती है उसके मुंह में और उसकी वहीं लग जाती है लंका और दोनों को वहीं अकेले पछीट कर गरा देती है। और जो लिनमो होता है ये सब देखने में लगा हुआ है और जो युतांग होती है वो लिनमो को इस तरीके से चिल्लाना चालू कर देती है और कहने लगती है आखिरकार तुमने अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं किया अभी, जब भी फ्यूचर में तुम इन तरीके के लोगों से मिलो तो तुम्हें उनके वीक पॉइंट पर हमला करना होगा हमेशा इस बात को याद रखना। तभी जो लिनमो होता है वो कहने लगता है वीक पॉइंट आखिरकार मुझे कैसे पता चलेगा कि उनका वीक पॉइंट कहाँ पर है। तभी युतांग उससे कह लगती है ऑफकोर्स उनके बूट्स पर तुम्हें अटैक करना चाहिए उनके गुब्बारों पर अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए, क्या तुम्हें इस छोटी सी की बात के बारे में भी नहीं पता। और भाई छाती पर दिखाती है अपने मार मार के, भाई साहब लड़कों के बूट से मारो तो क्या वो सच में सेल्फ डिफेंस कहलाता है क्या, अरे बात है पता नहीं था मुझे। और तभी लिनमो मन में सोचते कहने लगता है मुझे इस तरीके की सेल्फ डिफेंस बिल्कुल भी नहीं सीखना। और तभी युतांग वहाँ से चली जाती है और लिनमो से कहने लगती है चलो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें घर पर पहले ले जाती हूँ, आज का दिन वाकई मज़ेदा खराब था। लिनमो भी मान जाता है और तभी युतांग उसे हेलमेट पकड़ा देती है और उससे कहने लगती है किसने कहा था कि तुम अपना हेलमेट निकाल लो अपने मुँह से और वापस से जब मेरी मोटरबाइक पर बैठ जाओ तो उसे पहन लेना और जल्दी से बैठो गाड़ी पर हमें घर भी जाना है। और हमें लिनमो को दिखाया जाता है जो कि उसकी कमर को पकड़ लेता है, आहा मजा आ गया लिनमो। और कितने लोग कमर को पकड़ना चाहते हैं लेकिन भाई लिनमो इस मौके का फायदा ना उठाते हुए सिर्फ अपनी दो उंगलियों से उसका कपड़ा पकड़ता है। तभी युतांग उससे कहने लगती है अगर कर तुम मेरे कपड़ों को इस तरीके से क्यों पकड़े हुए हो, जल्दी से मेरी कमर को पकड़ो, तुम मेरी स्पीड को अंडर एस्टिमेट मत करना। और तभी जो युतांग होती है वो वहाँ से फुल स्पीड में अपनी बाइक को दौड़ाना चालू कर देती है। और तभी लिनमो मन में सोचते कह लगता अगर मैंने इस तरीके से मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में मॉडर्न वर्ल्ड में किसी को हक किया होता ना तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता और कभी बवाल मच जाता, लेकिन इस दुनिया में तो उल्टा ही हो रखा है। यहाँ पर तो वो लोग खुदा कर कह रहे हैं कि मुझे हक करो और कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला और बिना कुछ सोच समझे भी, लेकिन जरा देखो सही ये बाइक इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी जितना मैंने सोचा था, इससे ज़्यादा तो फास्ट मेरी मास्टर की स्वॉर्ड थी, आई मीन मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड है इससे ज़्यादा फास्टर। तो और तभी लिनमो अपने घर पहुँच जाता है और लिनमो उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे घर पर लेकर आई हो, तुम मुझे बताओ मुझे तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा इसके लिए। तभी वो कहने लगती है उससे आखिरकार तुमने मुझे समझ क्या रखा है, और उससे अपना हेलमेट ले लेती है और कहने लगती है हे फैट गाय अभी तुम बहुत ज़्यादा कपकपाने लगे थे कुछ समय पहले नहीं ना। तभी लिनमो उससे गुस्सा करते हुए उससे कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है मैं तुमसे लास्ट बार कहना चाहूँगा कि तुम मुझे फैट गाय बुलाना बंद करो। तभी युतांग उससे कहने लगती है तुमने पहले इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कितने मोटे थे पहले और तुम्हें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता था ना कि तुम्हें जो लोग मोटा बुलाते हैं
चलो एक मिनट रुको, यहाँ पर कुछ सही नहीं है। और तभी अचानक से यूतांग के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहने लगती है, चलो एक मिनट रुको, तुम क्या फिरते मेरा मेरे को इंतज़ार करवाने वाले थे स्कूल घर स्कूल के गेट के सामने, और तुमने वहाँ पर मेरा इंतज़ार नहीं किया? तुम फैट इडियट कहीं के, क्या तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देने वाले हो? तभी रिन मुझसे कहने लगता है, छी तुम कुछ भी बकती हो। तभी यूतांग उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगे मेरे साथ गेम खेलने के लिए स्कूल के गेट के बाहर? अगर कर तो वहाँ से क्यों भाग गए? तभी रिन मुझसे कहने लगता है कि मेरी फैमिली मेम्बर्स ने मुझसे कहा था कि स्कूल खत्म होने के बाद डायरेक्टली स्कूल आना और सड़कों पर अकेले मत घूमना, और तो और आज मैंने तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम वहाँ पर नहीं आई, और आज तुम मुझे वहाँ पर अकेले छोड़कर चली गई, तुम्हें याद है? और एक वूमन होने के कारण ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, समझ में आया तुम्हें? ये तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हो? ये बात सुनने के बाद यूतांग कभी भड़क पड़ती और कह लगती है, मुझे एक इमरजेंसी आ रखी थी इसलिए वहाँ से जाना पड़ा मुझे। तभी यूतांग का मोबाइल बजने लगता है और मोबाइल उठाती है और वो बताती कि सारा काम डन हो चुका है, लेकिन जो इस बार का हमारा टारगेट था जितना हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल ईविल था। और इसी न्यूज़ के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिसने भी हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया फटाफट से फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नरा, साइनिंग आउट।